नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने किचन वेस्ट से हम किस तरह से वर्मी कंपोस्ट और साथ में लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का किचन वेस्ट है, जिसमें पत्ते छिलके, आलू के छिलके हैं, केले के छिलके हैं और चाय पत्ती भी मैंने इसमें डाल दी है। ये सारी चीज़ मैंने डाल दी है और इसके अलावा ये तरबूज के कुछ छिलके मेरे पास हैं, जो कि मैंने कल के यहाँ पर रखे हुए हैं। ये दो दिन का किचन वेस्ट मेरे पास है। तो किचन वेस्ट को हम कूड़े में ना फेंकें, इस तरह से एक बर्तन में इकट्ठा कर लें इस तरह से, और उसको फिर हम इसको एक प्रोसीजर के द्वारा हम इसको वर्मी कंपोस्ट में एक यूजफुल, बहुत ही अच्छे खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप गार्डनिंग में यूज़ करें। तो इसके लिए मैंने इसमें पहले पानी डाला है, क्योंकि मैं इसमें से लिक्विड फर्टिलाइज़र भी निकालूंगी। अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं निकालना है तो आप इस कचरे को डायरेक्ट उसमें भी दबा सकते हैं मिट्टी में, तो लिक्विड जो भी उसमें से निकलता है उसी में मिक्स हो जाता है, वो मिट्टी भी फर्टाइल हो जाती है। तो मुझे इसमें से लिक्विड भी निकालना है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ये पानी डाल दिया। जब तक कुछ पानी ये खुद भी छोड़ेंगे, और अभी इसमें मैं लगातार 15 दिन तक लगातार वो डालूंगी किचन वेस्ट। तो ये इसमें मैंने गुड़ लिया है थोड़ा सा, एक डली है जिसको मैंने बारीक छील लिया है, काट लिया है, और इसको मैं इसमें मिला दूंगी गुड़ को। गुड़ से क्या होता है, इसमें गुड़ और दही भी आप मिक्स करके डाल सकते हो, या खाली दही भी डाल सकते हो, और खाली गुड़ से भी काम चल जाता है। तो इसका पर्पज़ ये है कि गुड़ से चीज़ें सड़ने की जो प्रोसीजर है वो जल्दी होती बढ़ जाता है, जल्दी होता है। तो इससे गुड़ में फर्मेंटेशन का प्रोसीजर तेज़ हो जाएगा, जल्दी से सड़ना शुरू हो जाएगा और कीड़े बहुत सारे बन जाएंगे, और ज़्यादा कीड़े, जितने ज़्यादा कीड़े होंगे उतना ही जल्दी वो हमारे जो किचन वेस्ट है उसको कंपोस्ट में बदलेंगे, खा के उसको खाद, इसको धीरे धीरे वो खा जाएंगे और हमारा ये जो है, ये जो हमारी चीज़ें हैं छिलके वगैरह, ये सब खाद में बदल जाएंगे। तो वर्मी कंपोस्ट जो इस तरह से बनाया हुआ कंपोस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, पौधों के लिए हेल्दी होता है। फल वाले पौधे हों या फ्रूट्स वाले पौधे हों या हमारे दूसरे इंडोर प्लांट्स हों, सभी के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से आप आजकल जैसे खरबूजा तरबूज आ रहा है तो काफ़ी सारे छिलके उसमें से निकलते हैं, तो वो सब मैं इसमें ही डाल देती हूँ। और ये 15 दिन तक डाल के फिर इसको मैं डंडे से ऊपर नीचे करती रहूँगी, उसके बाद मैं इसको एक महीने के लिए छोड़ दूँगी। एक महीने के अंदर ये पूरा सड़ जाएगा, तो इसका फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र निकाल के ये जो सॉलिड वेस्ट रहेगा इसको मैं मिट्टी में दबा दूंगी। और वो अगर इसमें से कीड़े ख़त्म हो गए तो समझ लिए आपको कंपोस्ट बन गया, और अगर कीड़े अभी हैं तो उसको और टाइम चाहिए, ठीक है। तो एक उसको जब आप मिट्टी में दबा देंगे तो अगले महीने तक उसके जो कीड़े हैं वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे, इसमें खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, कीड़े मर जाएंगे, स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। अगर उसमें कीड़े हैं, बदबू है, तो अभी आपको वर्मी कंपोस्ट को बनने के लिए और टाइम चाहिए। तो इस तरह से आप घर में ही अपने किचन वेस्ट का सही इस्तेमाल करके अपने घर पौधों के लिए अच्छी खाद तैयार कर सकते हैं। बस इसका एक वो है कि जब ये सड़ता है तो स्मेल आती है, तो इसके लिए आपको थोड़ा एक साइड खुली छत होनी चाहिए, खुली छत हो या बड़ा आंगन हो, थोड़ा दूर आप रख के इसको बना सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।